नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, अच्छी न्यूज आपको देने वाला हूं, पॉजिटिव न्यूज रहेगी। माइंड आपका नेगेटिव है तो प्लीज पॉजिटिव कर लीजिए वीडियो देखने के बाद, और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा। 2-5 मिनट का है, पूरा देखिएगा टाइम निकाल के, मात्र 3 से 4 मिनट का। हम बात करते हैं सऊदी अरबिया के कानून से रिलेटेड। मैंने कल परसों भी वीडियो बनाया था, एक वीडियो मैंने लगभग 15-10 दिन पहले भी बनाया था कि गल्फ कंट्रीज कानून के मामले में समझौता नहीं करती, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। कुछ स्ट्रिक्टली कदम होने की वजह से मैंने बताया था कि पिछले दिनों दुबई में 10 लोगों की जॉब चली गई धर्म के नाम पे पोस्ट करने से, ठीक है। कुवैत में 2 लोगों की जॉब चली गई धर्म के नाम से पोस्ट करने से। मैंने पहले बताया था कि गल्फ का कानून द बेस्ट, इतना शानदार कानून है कि आप सोच नहीं सकते। एकतरफा नहीं होता वहाँ पे, कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ अपने अपने नेताओं से फ़ोन करवा रहे हैं, सबकी सेटिंग होती है, फिर वो फ़ोन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यूएई का, पहले आपको बताया था यूएई के बारे में, अभी आप बात करूंगा सऊदी अरबिया से रिलेटेड। आज से 4 दिन पहले का मामला है, गैर मुस्लिम आदमी, हिंदू मान लीजिए, सीधी भाषा में बात करूंगा, हिंदू था वहाँ का कोई लोकल अरबी भाषी आदमी था, उन्होंने उस पर प्रेशर दिया कि तू नमाज पढ़, तू रोज़ा रख, समझ रहे बात। ये बाकायदा न्यूज़ में आई हुई, आप कहीं पर भी गूगल कर लेना, आपको सामने आ जाएगी ये बातें। तू नमाज पढ़, तू रोज़ा रख, उसको गालियाँ देना, उसको अपमानित किया गया और संयोग से उसका वीडियो बन गया। अब वीडियो किसने बनाया ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका वीडियो बन गया और वो वीडियो सोशल वीडियो पे वायरल होके वहाँ के सुरता, वहाँ के मैनेजमेंट के पास पहुँच गया, जो समाज से संबंधित, जो धर्म के प्रति जो भी वहाँ का सिस्टम है, वहाँ पे वो न्यूज़ वीडियो पहुँच गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ का अरबी भाषी आदमी, वहाँ का मुस्लिम जो अरब नागरिक है, वो गैर मुस्लिम आदमी को दबाव बना रहा था कि तू रोज़ा रख, तू नमाज पढ़, ठीक है, या फिर तू मतलब उसको बद्दी बद्दी गालियाँ देना, अपमानित कर रहा था उसको धर्म के नाम पर। उसका वीडियो बन गया, उसकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही थी। उस वीडियो की जाँच हुई, जाँच होने के बाद तुरंत उसको अरेस्ट करके मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया। अब आप ये मत समझिए कि वहाँ पे मुस्लिम विरोधी टिप्पणी होने पे उनको जेल में डाला जाता है, नहीं भाई, सिस्टम है वहाँ पे, वहाँ पे एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ देखना होता है। जो गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप सऊदी में हो, चाहे आप गल्फ कंट्रीज में कोई से भी हो, वहाँ का कानून ही ऐसा ही है। एक लोकल आदमी वहाँ का, जिसने किसी को दबाव में जबरदस्ती किसी को धर्म के प्रति आकर्षित करना, धर्म पलटवाना बिल्कुल गलत है, गैरकानूनी है। वहाँ पे 100% मोमडन होने का मतलब, मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नाजायज करेंगे। वहाँ का प्रशासन इस बात की इजाज़त नहीं देता, धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। तुरंत वहाँ के लोकल आदमी को पकड़ के मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया, आगे का प्रोसेस वो रूटीन में आ गया। लेकिन फर्स्ट प्राथमिक जानकारी में पाया गया कि आदमी दोषी है, इसने इसके साथ गलत किया, मुकदमा होके अंदर चला गया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि गल्फ कंट्रीज में गलत जो करेगा उसको सज़ा मिलनी तय है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई, कोई भी धर्म का हो, धर्म नो मैटर, वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे इंसान मैटर करता है, उसकी लैंग्वेज मैटर करती है, उसका सोच मैटर करती है। तो आप समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट वे सऊदी की है भाई, कि जो 18 साल से नीचे थे वहाँ पे सऊदी में, जो फांसी दे दी जाती थी, गर्दन काट दी जाती थी 18 नाबालिगों की, उनको वहाँ के सुल्तान ने रिजेक्ट कर दिया, उस कानून को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत गंदा कानून, जिसको बोल सकते हैं कि सऊदी की एक थूथू हो रही थी पूरे वर्ल्ड स्तर पे, कि नाबालिगों को फांसी देना कहीं का नियम है, ये गलत था। तो वहाँ के कानून, यहाँ के अभी जो अप्रैल में इसको हटा दिया गया, ये कानून बंद कर दिया गया है, और कोड़े मारने की सज़ा सऊदी में बंद कर दी गई है। अब सऊदी में आपको हो तो आपको पता ही होगा, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे कानून चेंज कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल सऊदी के लिए गलत थे। उनका नेगेटिव प्रभाव और कंट्रियों पर जा रहा था कि सऊदी ऐसी कंट्री है, वहाँ पर कानून सही नहीं है, तो इनको चेंज कर दिया गया वहाँ के जो राजकुमार हैं प्रिंसेस, उनके द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको ये न्यूज़ दे दी कि धर्म का मैटर नहीं है भाई, इंसान का मैटर है, गलत कोई भी करे सजा तय है मिलनी। तो आप दोनों तरफ से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा शेयर और कर दीजिए ताकि और लोगों के पास भी न्यूज़ पहुँचे। दूसरी कंट्री में बैठ के, इंडिया में बैठ के, कहीं पर भी हो भाई, धर्म के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है, ये आप समझ लीजिए मेरी बात को गहराई से, ठीक है साथियों। बस आज की जानकारी इतनी देनी थी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।